हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यू ब्लॉग में। और आप लिविंग एलोन लाइफ ब्लॉग, तो प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और ये बनाए सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते में है ब्रेड रोल, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे बनने हैं। और आप लोग को रेसिपी चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा और कमेंट करके, तो प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आप लोग की अभी बहुत ज़रूरत है। और ये देखिए स्टव है, ये भर के बनने थे ब्रेड रोल, तो ये मेरी छोटी सिस्टर बना रही है ये रोल, ब्रेड रोल। और मैं बना रही थी इधर आलू का पराठा, तो आलू का पराठा बना रही थी मैं मंदिर के लिए, कन्हैया के लिए। और प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। मैं ये कहूँगी कि आप लोग के प्यार की भी बहुत ज़रूरत है। और ये देखिए प्लीज़ बताइएगा कि ये ब्रेड रोल कैसे बने हैं, तो बहुत यम्मी यम्मी से लग रहे थे, बहुत क्रिस्पी भी लगे थे। और ये थी धनिया की चटनी और ये लाल वाली चटनी थी मीठी चटनी। और मैं ये बना रही थी खाना बेसन की सब्जी, इसको गट्टा भी बोलते हैं और हमारे इधर कूलर भी बोलते हैं, तो वो ही मैं आपको दिखा रही थी। किचन में नहाने धोने के बाद ये सब्जी बना रही थी मैं, और सुबह ही नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। जल्दी जल्दी से सुबह को बनाना पड़ता है, तो फिर ये मैं बना रही थी सब्जी, गट्टी की सब्जी। ये देखिए मसाला भून रही थी और इसमें सारा मसाला मैंने डाल दिया, फिर इसमें डाल दी ये गट्टे उबले हुए थे ये, इनको रोल बना के। तो प्लीज़ आपको चाहिए रेसिपी तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं डाल दूँगी बना के, दिखाऊँगी ज़रूर, दिखूँगी आपको बना के। तो इस तरह से ही बना रही थी, ये देखिए। तो मैं ये दे रही थी खाने के लिए, मांग रहे थे, ऐसे भी अच्छे लगते हैं, तो वही मैं दे रही थी। देखिए इसमें हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा, जैसे आप रखना चाहते हैं कम ज़्यादा उसी के हिसाब से हम इसमें पानी लगा देंगे। और रोटी के, चावल के या पराठे के साथ में, किसी के साथ में खा सकते हैं, अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। तो कुछ भी ना हो सब्जी तो बेसन रखा है घर पे, उसका ये बना लो सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए इसको फिर कवर करके रख देंगे, ये मैंने कवर करके रख दिया। आ देगी इस तरह से, ये हो गई है, अभी ये बनी नहीं है, थोड़ा इसका जो ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक करेंगे इसे और थोड़ी देर और रख के पकाएंगे। ये देखिए इस टाइप से, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी और हमारे बच्चों ने भी बहुत मन से खाई थी चिराग प्रेम से। और वैसे ज़्यादा सब्जियों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर इसमें हम डाल देंगे धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इसका और भी टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए कितना टेस्टी, ये देखिए बन के तैयार हो गई है, कितनी देखने में यम्मी लग रही है। और फिर मैं यहाँ पे लेटी थी, वीडियो बना रही थी, और बहुत उदास थी, सब लोग अंदर लेटे थे और बच्चे और मेरी सिस्टर अंदर लेट गई थी। अभी आ गई है छोटी सिस्टर, उसके थोड़े दिन की छुट्टी पड़ी थी तो वो आ गई थी, मैंने बुला ली थी। अब मैं ये लेटी थी बाहर अकेले गैलरी में, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों दिन में अच्छा नहीं लगता। एक तो ये किससे बात करूँ, हस्बैंड भी नहीं है, अगर होते हैं तो ऐसा होता है थोड़ा बातचीत कर लो, अपने दिन में थोड़ा कोई भी नहीं था। और मैं ये दिखा रही थी मैं ही भी ये सीने लगाई है मेरी सिस्टर ने, तो अकेले लेटी थी, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छी लगी आपको हमारी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और 5 महीने हो गए हैं छुट्टी नहीं मिली, थैंक यू फॉर।